हेलो गाइज, वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग। तो अभी जो फिलहाल सुबह के 8:30 हो रहे हैं एंड सुबह मैं अभी भी रेडी हो चुका हूँ। अभी जो कॉलेज जाना है मुझे थोड़ी देर बाद। शिवम को फ़ोन लगा था, उसने बोला साइंस एग्जीबिशन कुछ तो है एंड उसको जो है प्रैक्टिकल बुक ही देनी है एंड प्रैक्टिकल बुक चेक भी करनी है, तो इसलिए कॉलेज जाना है। तो अभी जो एक घर चलते हैं एंड रेडी वेडी होकर खाना वाना खा के आराम से कॉलेज को निकलेंगे। अभी जो है मैं कॉलेज के लिए निकल चुका हूँ एंड घर में जो है ना खाना वाना खाया आराम से घर जाके एंड फिर मोबाइल देखते बैठा था एंड कॉन्फ्रेंस कॉल किया था सभी फ्रेंड्स को। सब लोग जो है 11 बजे आ रहे थे तो हम भी जा रहे हैं अभी 10:30 बजे चलते कॉलेज। एंड आज जो है बस साइंस एक्सपेरिमेंट है एंड क्या बोलते आज जो है कौन सी प्रैक्टिकल बुक की चेकिंग हो नहीं सकती, बस शिवम को प्रैक्टिकल बुक देनी है एंड साइंस एक्सपेरिमेंट देखने जाएंगे। तो चलते कॉलेज। अभी जो कॉलेज पहुंच चुका हूँ एंड आदित्य जो है सेकेंड फ्लोर की लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे जाके बैठते हैं एंड सारे फ्रेंड जब आएंगे ना तो जाएंगे क्या बोलते साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए। तो अभी जो है दोपहर के 12 बजने आ रहे हैं एंड शिवम जो है ना अभी अभी कॉलेज आ चुका है एंड चलते हैं अभी साइंस एग्जीबिशन के लिए। साइंस एग्जीबिशन को पूरा एक्सप्लोर करेंगे गाइस, तो चलते हैं जो है एंटर देखना है। ओके चलो। अभी जो है शाम के 4:30 बज रहे हैं एंड मैं जो घर आ चुका हूँ एंड कॉलेज में जो है ना इतना मज़ा आया ना, मतलब बहुत मज़ा आया। अच्छा शिवम ने मुझे बुला लिया कॉलेज में एंड मतलब बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो हमने जो है वहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट देखे, मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट देखे एंड उसके बाद जो है लास्ट में जो है हम जो है आर्ट वाले एक्सपेरिमेंट में गए थे, मुझे पता नहीं। फिर वहाँ पे जो है ड्राइंग्स थे बहुत सारे ड्राइंग्स देखे, फिर कुछ था वो भी देखा सब कुछ एंड सबसे लास्ट में जो है ना मैंने देखा कि कौन सी तो दीदी बैठ के जो है स्केच निकाल रहे लाइव स्केच करके एंड फिर मैं जो वहाँ पे जाके मुझे भी लगा कि यार चलो बना लेते हैं अपना भी एक स्केच। मेरा स्केच बना था तो मैं जाके सीधा बैठ गया उनके सामने, उन दीदी के सामने एंड फिर मैंने कुछ नहीं देखा मैं कैसे दिख रहा हूँ क्या दिख रहा हूँ एंड मतलब मैंने अपना चेहरा ही नहीं देखा एंड फिर जाके बैठ गया आराम से। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो उन्होंने बोला कि वो जो है 15th क्लास में, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। एंड फिर उन्होंने मेरा लाइव स्केच बनाना चालू कर दिया, मतलब मैं इतना क्या बोलो अभी। उन्होंने जो है ना मेरा लाइव स्केच बनाना चालू कर दिया एंड फिर वहाँ पे जो है ना मैं 25 मिनट्स तक बैठा था। शिवम ने टाइम देखा था तो 25 मिनट्स बैठा था मैं वहाँ पे आराम से। हमें जो है ना वहाँ पे एक ही पोज देनी है, उनको ही देखना है एंड बस। वहाँ पे जो है ना मेरा फेशियल एक्सप्रेशन जो था ना मतलब बहुत बुरा था, मतलब शिवम ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया ना तो मैंने देखा था मैं कैसे बैठा था, इतना बुरा बैठा था ना, मतलब बहुत गुस्सा रहा था मुझ पर। तो ड्राइंग विंग हो गई सब कुछ एंड फिर वहाँ से जो है थोड़ी देर कॉलेज में रुके थे एंड वहाँ से फिर लैमिनेशन किया फ़ोटो को, फिर वहाँ से घर आ गए। एंड अभी जो है मेरे पास ना इंटरनेट भी नहीं है, मतलब मुझे जो है ना इंस्टा पे स्टोरी रखनी थी वो ड्राइंग निकली ना उसकी,
पर अभी नेट ही नहीं है, तो पापा शाम को आएंगे तभी रखूँगा। रिचार्ज जो है ना 12 की वजह से रिचार्ज नहीं किया मैंने, एंड अभी जो है मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलते हैं आराम से खाना खाऊँगा एंड उसके बाद ब्लॉग एडिट करूँगा। अभी जो है रात के 9:30 बज रहे हैं एंड दोपहर में जो है ना एडिटिंग करके खाना वाना खाया आराम से, एंड उसके बाद जो है कुछ काम नहीं था, मोबाइल में नेट भी नहीं था, एंड उसकी वजह से जो है मेरी थोड़ी सी ड्राइंग बची थी, मतलब एक टावर की ड्राइंग निकल रहा था, 70% हो चुकी थी, 30% बची थी वो कर रहा था ड्राइंग, एंड फिर ड्राइंग ख़त्म होने को जो है पापा में आ गए। पापा में आने के बाद ना सबसे पहले जो है मैंने रिचार्ज किया मेरे मोबाइल का, एंड फिर उसके बाद जो है ना कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम देख रहा हूँ मैं अभी तक, कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम स्टोरी रखा वो ड्राइंग की, एंड एक शॉर्ट बनाया था उसकी भी इंस्टा स्टोरी लगा दी। पर मैं जो है ना मैं आने के बाद जो है ना मोबाइल की स्क्रीन टाइमिंग 3 आवर्स थी, एंड जब रिचार्ज किया ना उसके बाद अभी फ़िलहाल स्क्रीन टाइमिंग 7 आवर की हुई है, मतलब चार घंटे देखा मैंने, मीन्स बहुत इंस्टाग्राम देखा, मेरा मन भर गया, एंड फिलहाल मुझे एडिटिंग करना है ब्लॉग, फिर अपलोड करना है, तो उसके बाद हो जाऊँगा। मिलते कल, गुड नाइट बाय, जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करना, गुड नाइट बाय। एक मेन बात तो रह गई, जो पापा आए थे ना, पापा ने वो स्केच था ना मेरा लाइव स्केच बनाया वो देखा, एंड पापा को लग रहा था कि मैंने स्केच बनाया, एंड पापा ने बोले इतनी जल्दी लैमिनेशन क्यों कर, सबसे पहले पूछना था ना मतलब क्या कुछ कमी है क्या ड्राइंग में, मतलब पापा को लग रहा था मैंने ही बनाई ये ड्राइंग। फिर उसके बाद मैंने बताया कि पापा मैंने नहीं बनाई, कॉलेज में ऐसे ऐसे एग्जीबिशन था एंड एक दीदी ने मुझे मतलब बनाया है, पापा बोले ठीक है, एंड पापा ने ये भी बोला कि मतलब उसमें जी कैसे मतलब ड्राइंग में ना मैं उदास दिख रहा हूँ, मतलब उदास, एंड मैं कभी उदास नहीं रहता घर में, हमेशा हैप्पी रहता हूँ, एंड बस यही बोला कि उदास चेहरा बस, बाकी कुछ नहीं, अच्छी ड्राइंग बनाई है। एंड नैना जी अगली बार जो है हंसते हुए, मतलब मैं हंसता हूँ ना वैसी ड्राइंग निकालना, अगली बार जो है मेरे हैप्पी चेहरे की ड्राइंग निकालना। गुड नाइट।